अगर आप एक इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नीशियन हो और आप एक इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नीशियन बनना चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे इस रेड बटन को प्रेस करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद उसके बगल में इस घंटे को दबा के नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। हाय गाइस, वेलकम टू दीप इलेक्ट्रॉनिक सर्विस सेंटर। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर आपके टीवी में बाइंडिंग बोर्ड ऑड ऑन हो जाए तो आप इसको कैसे ठीक करोगे और इसको कैसे रिपेयर करोगे। तो इन सारी चीज़ों को आपको मैं बताऊंगा इस वीडियो में। तो मैं कहना चाहूंगा, अगर आप पहली बार आए हो मेरे इस चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके कर लीजिएगा और उसके बाद बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, क्योंकि मैं जब भी नया वीडियो डालूंगा आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएंगे। तो अब बारी आते हैं गाइस, बार्न मोड क्या है। तो जिस तरह से आप देख रहे होंगे, आपके सामने एक टीवी रखा हुआ है जिसमें कंटिन्यूसली सारे जो कलर्स होते हैं वो चेंजेस होते जा रहा है एक एक करके। तो इसको बोलता है गाइस बाइंडिंग मोड। और ये कैसे ऑन होता है मैं इसको ठीक करके दिखाने के बाद मैं फिर से आपको दिखाऊंगा। तो चलिए गाइस, इसको रिपेयर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सभी टीवी में चाहे वो किसी भी कंपनी का टीवी क्यों ना हो, उसमें पावर बटन ज़रूर होता है जिसमें जो ऑन ऑफ के लिए दिया जाता है। तो सेम उसी तरह कैसे इस टीवी में भी है। तो मैं आपको इस टीवी को घुमाता हूँ थोड़ा सा और उसके बाद आपको दिखा देता हूँ उन सारे, देख सकते हो स्विच को, देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे स्विच दिया हुआ है और यहाँ पे कुछ उखाड़ भी दिया है। तो यहाँ पे आपको देख लेना है कि जो पावर का बटन कौन सी है। तो मैं देख लेता हूँ यहाँ पे नीचे जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, और इसमें भी यहाँ पे देख सकते हो वोल्ट प्लस, वोल्ट माइनस, सी एस प्लस, सी एस माइनस, मेनू टीवी है भी, और उसके बाद जो लास्ट वाला है ये हो गया पावर का। यहाँ पे गाइस लिखा हुआ नहीं है, लिखा हुआ था लेकिन यहाँ पे टूट गया है। तो ये ही होगा हमारा जो पावर बटन। तो इसको आपको 5 से 6 सेकेंड दबा के रखना है और उसके बाद हमारा जो बार्न मोड का जो प्रॉब्लम आएगा टीवी में, चाहे वो किसी भी कंपनी का टीवी क्यों ना हो, तो ठीक हो जाएगी। तो चलिए मैं इसको दबा कर देखता हूँ और आपको दिखाता हूँ। पहले मैं इसको घुमा लेता हूँ इस साइड और आपको दिखाता हूँ। ये है गाइस हमारा ये बार्न मोड, देख सकते हो इस तरह से भी होते हैं। तो मैं इसको दबा के रखता हूँ और ये देख सकते हो जब तक ये ऑन नहीं होगा तब तक आपको इसको दबा के रखना है और उसके बाद आपको इसको छोड़ देना है। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि हमारे सामने अब इस तरह की हो गई है और देख सकते हो हमारा टीवी है बिल्कुल ओके हो गया है। देख सकते हो ये बिल्कुल ओके हो गया है हमारा एक टीवी। और अब बारी आती है गाइस हमारा जो टीवी में बार्न मोड कैसे ऑन होता है। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि अगर कोई भी घर पे या कोई भी आप गलती से भी कुछ कुछ कर रहे थे आप सर्विस मेनू में जाके, तो आपने गलती से किस कुछ ऑन कर दिया है जो बाइंडिंग मोड बोला जाता है। तो चलिए मैं इसको आपको एंटर करके दिखाता हूँ, मेनू डाउन ऑन 147। तो ये हो गया गाइस हमारा सर्विस मेनू कार्ड और उसके बाद हमें नीचे जो सेटअप पे हमें उस मिलेगा बार्निंग मोड का। आप यहाँ पे देख सकते हो ये हो गया बार्निंग मोड, यहाँ पे ऑफ लिखा हुआ है। तो बहुत सारे टेक्नीशियन ऐसा होता है कि जो उन लोगों ने देखता है कि हमें इसमें ऑन करके देखते हैं इसमें क्या है। तो ये हो गया गाइस बार्निंग मोड। अब आपको इसको ऑन करके दिखाता हूँ, ये देख सकते हो हमारा जो टीवी में बार्निंग मोड ऑन हो गया है। तो ये था गाइस जो नॉन टेक्नीशियन के बारे में। और अब बात कर लेते हैं कि टेक्नीशियन के बारे में। आप जब इसमें रिमोट से भी ठीक नहीं हुआ तब आप क्या करोगे, कैसा भी ऐसा भी बहुत बार होता है कि हमें रिमोट से ठीक नहीं होता है। तो उस टाइम पे आपको क्या करना होगा, जो पीसीबी है आप जो चैन पीसीबी मतलब जो आपका जो मेन बोर्ड होता है उसको चेंज करोगे या यूनिवर्सल बोर्ड लगाओगे तब भी अपना जो इस तरह के होते हैं, अगर सही से आपका एलवीडी केबल का मैच नहीं हुआ है तभी आपका इस तरह की प्रॉब्लम आती है। तो उनके लिए आपको कोई एक अच्छे से टेक्नीशियन के पास आपको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। अगर इस वीडियो में आपको बता भी दिया तो आपको समझ में नहीं आएगा पीसीबी में हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, तो उसके लिए आपको एक अच्छे से ट्रेनर के पास आपको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। उसके बाद आप इन सारे चीज़ों को पैनल को रिपेयर करना पड़ेगा। और ये जो गाइस प्रॉब्लम होती है जब रिमोट से ठीक नहीं होगा तो आपको ये पैनल का प्रॉब्लम होती है, पैनल में कुछ ऐसा ट्रैक होता है जो शॉर्ट हो जाने से हमारा इस तरह से प्रॉब्लम आती है। तो गाइज आई थिंक आपको इस वीडियो को अच्छा लगा है, तो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और आप कुछ भी सीखना चाहते हो तो मुझे कमेंट में बता सकते हो। तो थैंक यू गाइज, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।